हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम थीम टू स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेल्थ एनसीईआरटी की। आप सबको पता है एंशियंट हिस्ट्री की हमारी सीरीज़ चल रही है, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन सीरीज़। उसमें हमने ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन करानी शुरू कर दी है और थीम फर्स्ट हो गई है, जिसमें हमने हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। अभी थीम टू चल रही है और इसमें हम पढ़ेंगे जो वैदिक एज थी, महाजनपद की जो एज आई वो पढ़ेंगे हम, 600 बीसी से 600 सी तक जो एज आई उसके बारे में हम जानेंगे। तो हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ तो कई सारे डेवलपमेंट्स हुए। सबकॉन्टिनेंट जो था हमारा, भारत का जो सबकॉन्टिनेंट था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेवलपमेंट निकल के आए और इसी टाइम ऋग्वेदा भी कंपोज हुई थी। ऋग्वेदा लिखी गई जो इंदस और जो उसकी ट्रिब्यूटरी है, वहाँ पे कुछ लोग रहते थे, उन्होंने ऋग्वेदा को लिखा। एग्रीकल्चर सेटलमेंट इमर्ज होने शुरू हो गए नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन प्लेटू में, कर्नाटका में और बाकी सब जगहों पर भी। पास्टोरल पॉपुलेशन का एविडेंस भी हमें दिखाई देता है और डेड को डिस्पोज करने के नए तरीके यहाँ पे आने लग गए, जैसे बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर बना देना, मेगालिथिक बना देना। कई जगहों पे देखा गया कि जो डेड था उसको बरी किया जाता था आयरन टूल्स और वीपन्स के साथ। तो ये सब चीज़ें निकल के आईं। 6th century BC के बाद हमें देखने को मिला और भी ट्रेंड्स नज़र आए, जैसे अर्ली स्टेट्स का इमर्जेंस हुआ, एम्पायर्स किंगडम्स निकल के आए और भी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे निकल के आए कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नए तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ, नए सारे टाउन्स निकल के आए। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। 1830 में जेम्स प्रिसेप ने, जो जिसके बारे में मैंने आपको कई बार अपनी वीडियो में बताया है, लेक्चर्स में बताया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में के मिंट में एक ऑफिसर थे, जो कॉइन्स जो मिंट करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कॉइन्स छापती थी वहाँ पे एक ऑफिसर थे, इन्होंने ब्रह्मी और खरतोशी स्क्रिप्ट को डेसीफर किया था। ठीक है, तो ब्रह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट को डेसीफर करने के बाद बहुत सी चीज़ें पता चली, अशोका के बारे में पता चला, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, और अशोका को पियादासी नाम से बुलाया जाता था, तो वो भी पता चला कि पियादासी नाम से किसी राजा को बुलाया जाता था इस इंस्क्रिप्शन में, वो अशोका ही थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अर्लियर जो स्टेट्स थे, जो महाजनपदास थे, वो कैसे निकल के आए। देखो, इस एनसीईआरटी में आपको एक एक डिटेल नहीं मिलेगी। एनसीईआरटीज ट्वेल्थ की है, हम इलेवेंथ पे आएंगे, फिर टेंथ में, नाइन्थ में डिस्कस करेंगे। ट्वेल्थ वाली मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये थीम बताती है, ट्वेल्थ वाली एनसीईआरटी आपको थीम बताती है। एक बार आपने थीम समझ ली तो बाकी एनसीईआरटीज पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए ट्वेल्थ वाली मैंने पहले शुरू की है। और ये थीम में आपको कंप्लीट डिटेल नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ डिटेल ऐसी मिलेगी जो बाकी एनसीईआरटीज में नहीं मिलेगी, इसीलिए ये पढ़ना ज़रूरी है, इसको हम इग्नोर तो कतई नहीं कर सकते। 6th century को मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि स्टेट सिटीज़ यहीं से निकल के आए, आयरन का यूज़ होना शुरू हो गया, कोइनेस का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, कोइंस निकल के आए और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी तभी निकल के आए। बुद्धिज़्म और जैना टेक्स्ट थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी थे और जैन्स के टेक्स्ट भी थे, जिन्होंने महाजनपदास का मेंशन किया। महाजनपदास का मैप मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जैसे वज्जी, मगधा, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधरा, अवंती, ये सब जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट में मेंशन है। कुछ महाजनपदास को बहुत सारे राजा मिलके रूल करते थे और मोस्टली महाजनपदास ऐसे थे जो एक ही राजा रूल करता था, जिनमें बहुत सारे राजा मिलके एक जगह को रूल करते थे, उनको कहते थे गणास, संघास, जहाँ पे पावर एक के हाथों में नहीं थी, बहुत सारे राजाओं के हाथ में थी, जिसको आप ओलिगार्ची भी कहते हो कभी कभी। बुद्धा और महावीरा दोनों ऐसे गणास से बिलोंग करते थे जहाँ पे
पावर पूरी एक राजा के हाथ में नहीं थी, अलग अलग राजाओं के हाथ में थी। कुछ जगहों पे तो ये भी देखा गया कि जैसे वज्जी जो संघा था, वज्जी जो महाजनपद था, वहाँ पे अलग अलग राजा अलग अलग तरीके से लैंड रिसोर्सेज को कलेक्टिवली कंट्रोल करके चलते थे। हर महाजनपदा की अपनी एक सिटी थी जो फोर्टिफाइड थी, अपनी एक कैपिटल सिटी थी, और किलाबंदी कर रखी थी उस शहर की, अपनी राजधानी की महाजनपदाज ने। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए फिर आर्मी भी चाहिए होती है, ब्यूरोक्रेसी भी चाहिए होती है, तो वो भी आई। ठीक है, अच्छा जनपदा होता क्या है? मैं इधर से जनपदा महाजनपदा बोल रहा हूँ, जनपदा महाजनपदा होता क्या है? तो जनपदा का मतलब होता है लैंड जहाँ पे जन रहते हैं, कोई जन मतलब पीपल, क्लैन और ट्राइब रहते हैं। तो ये संस्कृत और प्रकृत में दोनों में यूज़ होता है। महाजनपदा जनपदा का बड़ा टर्म हो गया कि ये अब बड़ा हो गया जनपद, जब एरिया बड़े होते गए तो महाजनपद हो गए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पे ये महाजनपदास थे। आप देखोगे मोस्टली इस जगह ये जो है स्केटर्ड है, इस जगह कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जैसे अवंती महाजनपदा उसकी कैपिटल थी उज्जैन, अंगा की चंपा, कुशीनगर की मल्ला है ना, और वज्जी की कैपिटल थी वैशाली, राजगीर की मगधा, हालांकि बार बार चेंज हुई है, सॉरी मगधा की कैपिटल थी राजगीर। ठीक है, मगधा की कैपिटल चेंज हुई है, राजगीर, पाटलिपुत्र, ऐसे अलग अलग राजाओं ने आके चेंज की। मत्स्य की मथुरा, पांचाल की श्रवस्ती, ठीक है, वत्स की कौशाम्बी, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है। महाजनपदास जो हैं उनकी कैपिटल और एरिया ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए तक्षशिला गंधारा की, ठीक है, जब ये महाजनपदास आने शुरू हुए वैदिक एज में, तो ब्राह्मणास जो है उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट कंपोज करने शुरू किए, जिनको धर्मसूत्रास भी कहने लग गए। धर्मसूत्रास कानून कायदे लेके आए थे रूलर्स के लिए और सोशल कैटेगरीज के लिए, जैसे आपके क्षत्रियास थे, वैश्यास थे, शूद्रास थे, और रूलर्स को इसी के तहत एडवाइस दिया जाता था कि भाई आप टैक्सेस कलेक्ट करो, ट्रिब्यूट कितनी लेनी चाहिए, कितना टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, जो पास्टरलिस्ट थे, जो ट्राइबल्स थे, उनसे भी कलेक्ट किए जाते थे रिसोर्सेज? क्योंकि वो तो एक जगह टिकते नहीं थे और उनके पास कितने रिसोर्सेज होंगे। तो ये कह रहे हैं कि वी डू नॉट रियली नो, लिखने वाले जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता अभी क्या होता था, लेकिन हमें पता था कि एक राजा दूसरे राजा पे रेड करके, रेड मार के उसकी वेल्थ को एक्वायर कर सकता था, और ये लेजिटिमेट तरीका था। ऐसा नहीं था कि बेईमानी था, कि अनएथिकल था, नहीं, ये आप युद्ध करके किसी और के धन को एक्वायर कर सकते हो, वेल्थ को एक्वायर कर सकते हो। और अब कोई भी, अब ऐसे तो फिर कंपटीशन ज़्यादा था, कोई भी राजा किसी पर अटैक कर सकता था, हाँ कर सकता था, तो सुरक्षा की भी जब ज़रूरत महसूस हुई तो स्टैंडिंग आर्मीज़ यहाँ पे एक्वायर करनी शुरू कर दी राजाओं ने, और रेगुलर ब्यूरोक्रेसी बनानी शुरू कर दी। हरेंगा डायनास्टी के जो आपके बिंबिसारा थे राजा, हरेंगा डायनास्टी के वो पहले राजा थे जिन्होंने अपनी स्टैंडिंग आर्मी बनाई। मैं आपको बता दूं, ऋग्वैदिक एज में जो अर्ली ऋग्वैदिक एज थी और जो लेटर ऋग्वैदिक एज थी उसमें स्टैंडिंग आर्मी नहीं आई थी। धीरे धीरे जब महाजनपदास आने शुरू हुए तो मगधा में जो हरेंगा डायनास्टी आई उसमें बिंबिसारा थे, उन्होंने अपनी जो है पहली स्टैंडिंग आर्मी की। कुछ राजा ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट नहीं की, मिलिशिया पे डिपेंड रहने लगे। जैसे मान लो कि होता क्या था कि देखो उस टाइम ना इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, तो जो भी वो प्रोडक्शन करते थे वीट वगैरह का, खाने वाने का, तो किसानों को बस लगा रहना पड़ता था, खाना प्रोड्यूस करना पड़ता था राजाओं के लिए और बाकी सारी जो कम्युनिटीज़ उनके लिए, हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वालों के लिए, आर्टिस्ट वगैरह के लिए।
तो दिक्कत क्या थी कि आर्मी अगर आपको चाहिए तो आर्मी को खिलाना भी पड़ेगा, और आर्मी में जो लोग होंगे वो खेती कर नहीं सकते क्योंकि वो पूरी तरीके से आर्मी में रहेंगे तो फिर खेती कैसे करेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग जो पीजेंट्स हैं उनको प्रोडक्शन डबल करना पड़ेगा उनको भी खिलाने के लिए। तो उस टाइम ना इतने टूल्स वगैरह नहीं आए थे, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता नहीं था, तो स्टैंडिंग आर्मी रखनी बहुत मुश्किल होती थी। तो किसानों को ही जो है वो सेना में शामिल कर लिया जाता था जब ज़रूरत होती थी। जो ट्राइबल जो लोग होते थे, किसान जो होते थे, उनसे ही बोल दिया जाता था युद्ध के समय कि आप जो है अब युद्ध लड़ो, और जब युद्ध नहीं होता था तो उनको बोलता था कि आप किसान बन जाओ, ठीक है। क्योंकि उस टाइम इतना पैदावार नहीं होती थी कि स्टैंडिंग आर्मी रख के उनको खिला पिला सके। अब ऐसे 16 महाजनपदास थे जो कि अलग अलग टेक्स्ट में मेंशन किए गए हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जैसे अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनमें भी जो है मेंशन किए गए थे इनके नाम 16 महाजनपदास का। मैंने आपको मैप भी दिखाया, तो उसमें से एक था मगधा। मगधा बहुत फेमस हुआ, मगधा बहुत ही पावरफुल महाजनपदा निकल के आया। मैंने आपको दिखाया था अभी मगधा जो प्रेजेंट डे बिहार में है, और कई तरह की जो है इसमें डेवलपमेंट्स हुए, कई तरीके से इसने बाकी महाजनपदास को पछाड़ दिया। तो उसके कई सारे कारण भी थे, क्योंकि एक तो एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव आया। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव होने की वजह ये थी कि आयरन टूल्स वगैरह ये जो है डेवलप होने शुरू हो गए, और गंगेटिक एरिया था जो गंगा नदी थी उसका एरिया था, तो वहाँ पे पैदावार अच्छी खासी होनी शुरू हो गई। एरिया थोड़ा शुरू से प्रोडक्टिव था। आयरन माइंस भी थी वहाँ पे, है ना, जो झारखंड वाला जो एरिया है ना वहाँ पे आयरन माइंस थी उस समय भी। तो वहाँ के राजाओं ने वहाँ से आयरन निकाल के हथियार बनाने शुरू कर दिए और आयरन प्लग बनाना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, कॉपर का प्लग इस्तेमाल किया जाता था या जो और प्लग्स थे इस्तेमाल किए जाते थे, स्टोन के जो प्लग होते थे, तो उससे इतने पैदावार नहीं होती थी, जंगल नहीं काटे जा सकते थे। लेकिन जो आयरन के टूल्स निकल के आए इससे जंगल के जंगल काट दिए गए और जो ज़मीनें थी वो खेती के लिए तैयार करनी शुरू कर दी। एलिफेंट्स भी यहाँ मिलने लग गए क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा थे मगधा में, तो एलिफेंट्स भी यहाँ पे मिलने लग गई। और आपने मैप देखा होगा, मैंने अभी आपको मगधा बताया था, तो वहाँ का एरिया थोड़ा फॉरेस्ट ज़्यादा है। वहाँ पे गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने वहाँ पे एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन दे दिया वाटरवेज का। शिप्स थी वो आराम से गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज में आ जा सकती थी, ठीक है। और कई बार क्या होता है ना कि रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने वाला भी होना चाहिए। तो जो बुद्धिस्ट और जो जैन राइटर्स हैं वो कहते हैं कि मगधा के पास रिसोर्सेज थे जो थे, इनको यूज़ करने वाले जो राजा थे उनकी पॉलिसीज भी बहुत एम्बिशियस थी। जैसे आप बिंबिसारा देखोगे, बिंबिसारा के बाद अजातशत्रु आया, फिर उदीन आया, फिर शुशुंग डायनेस्टी आई, फिर नंदा डायनेस्टी आई। नंदा डायनेस्टी में महापद्मानंदा बहुत फेमस है, फिर धनानंद जो है वो बहुत फेमस है। तो इनकी क्या एम्बिशंस काफ़ी लॉन्ग टर्म के थे, थोड़े रूथलेसली काम करते थे, मैट्रिमोनियल अलायंस बना के शादी करके एक दूसरे राजाओं के जो डॉटर्स से शादी करके अलायंस बनाते थे, डिप्लोमेटिकली काम करते थे, युद्ध करके काम करते थे। तो इन्होंने दिमाग लगा के अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इनिशियली राजगीर इसकी कैपिटल थी मगधा की, ये मैंने आपको बताया अभी। और राजगीर का मतलब ये होता है हाउस ऑफ द किंग। फोर्टिफाइड सेटलमेंट था, ये पहाड़ियों के बीच में था, चार पांच जो पहाड़ियाँ थी उनके बिल्कुल बीच में था, तो उसको भेद पाना भी बहुत मुश्किल था। और इसकी वजह यही थी कि राजगीर कैपिटल बना मगधा का। हालांकि फिर बाद में इसको पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया उदीन के द्वारा। उदीन हरिंकर डायनेस्टी का जो रूलर था, बिंबिसारा या फिर अजातशत्रु फिर उदीन, पाटलिपुत्र में इसको शिफ्ट कर दिया गया। पाटलिपुत्र क्या था, जो आज का पटना है वो पाटलिपुत्र था, जहाँ पे गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज से आसानी से और भी कम्युनिकेशन हो जाता था, ठीक है। तो कैपिटल्स मगधा की चेंज होती रही, राजगीर से पाटलिपुत्र। तो लेकिन सबसे पहली कैपिटल राजगीर थी जिसको बिंबिसारा ने बसाया था, ये याद रखना। अच्छा, आगे पढ़ने से पहले ये एक बॉक्स पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ यही बच्चे छोड़ देते हैं मोस्टली। अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोका के बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन ये अभी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं हमको। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन हैं वो प्राकृतिक लैंग्वेज में थे, मोस्टली प्राकृतिक लैंग्वेज में थे। और लेकिन जो कुछ जगहों पर जैसे नॉर्थ वेस्ट में आप देखोगे तो एरामिक में और ग्रीक में भी आपको मिले।
प्रकृत जो इंस्क्रिप्शन थे उनकी स्क्रिप्ट मोस्टली ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी, है ना, लेकिन खरोस्ती स्क्रिप्ट में भी मिले हैं। अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट भी यूज़ होती थी उन जगहों पर, जैसे नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान वगैरह हो गया, ये सब हो गया। मगधा की ग्रोथ हुई उस वजह से, उसी जगह पे आपका मौर्य एम्पायर भी निकल के आया। चंद्रगुप्त मौर्य से आपका मौर्य एम्पायर निकल के आया और उन्होंने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक पे अपना कंट्रोल जमा दिया। फिर उनके जो पोते थे अशोका, जो मोस्ट फेमस रूलर हैं, उन्होंने कलिंगा को कॉन्क्वायर कर लिया। तो मगधा की ग्रोथ इस तरीके से बढ़ती गई कि मगधा के अंदर बहुत सारे जो रीजन थे आसपास के वो आते गए। जैसे बिंबिसारा ने, अभी आपने माजन पदार्थ में अंगा देखा होगा, अंगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, बिंबिसारा जो हरियंगा डायनेस्टी का रूलर था, बिंबिसारा जिसकी पहली स्टैंडिंग आर्मी थी, उसने मगधा पे राज करना शुरू किया, स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट की। और अब इसने क्या किया, बिंबिसारा ने अंगा को कॉन्क्वायर कर लिया, ठीक है, कोशला के साथ अपने जो मेट्रोपोलियल जो रिलेशंस हैं वो बढ़ाए, ठीक है, वत्स के साथ अपने मेट्रोमोलियन रिलेशंस बढ़ाए, ठीक है। अच्छा, जो बिंबिसारा था उसने कोशला, काशी, यहाँ पे अपनी मेट्रोमोनियल रिलेशंस बढ़ाए, इनके जो राजा थी उनकी जो डॉटर थी उनके साथ शादी कर ली, ऐसे मतलब ऐसे शादी करके इन्होंने मेट्रोमोनियल अलायंस आगे बढ़ाए। वज्जी, वैशाली, ऐसे इन्होंने जो है कुछ एरिया पे अपना कब्जा जमाया, ठीक है। इसके बाद जो है अजातशत्रु आया, अजातशत्रु ने भी कुछ एरियाज जो है ऐसे कॉन्क्वायर कर लिए। उदिन आया, उदिन ने भी ऐसे ही किए। फिर शिशुंगा डायनेस्टी आई, शिशुंगा का काला अशोक आया। काला अशोका ने क्या किया, शिशुंगा जो डायनेस्टी आई उसमें, काला अशोका से पहले शिशुंगा आया था, ठीक है, जो शिशुंगा जो राजा थे शिशुंगा, उसने अवंती को कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो मगधा के अंदर अब अवंती भी आ गई, ठीक है, पहले ये भी था और ये भी था, अब अवंती भी आ गई। और इसके बाद नंदा डायनेस्टी आई, तो नंदा डायनेस्टी में जैसे महापद्मा नंदा आया तो उसने कलिंगा को कैप्चर कर लिया। अब कलिंगा इस मैप में दे नहीं रखा, ठीक है, कलिंगा को उसने कैप्चर कर लिया। तो इस तरीके से अलग अलग राजा है और उन्होंने जो है अब एरियाज को कैप, ठीक है। तो ऐसे जो है अपना कंट्रोल ये लोग जमाते गए। अब इसमें मौर्यास के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अब वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कैसे राजा है अलग अलग और उन्होंने कैसे काम शुरू किए, कैसे डोमिनेंस बढ़ी। अगली वीडियो में मिलते हैं, मौर्य एम्पायर के बारे में बात करेंगे। गुड बाय।